We've won. Yes, sir. 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 डिग्री कॉलेज डूरू के दर्जनों तलबा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके लिए तरतीब दिया गया आज का सवाल या पर्चा मुकम्मल तौर पर निसाब से बाहर था। तीसरे साल के छठे सेमेस्टर के तलबा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर्चे के इम्तिहान में शरीक हुए थे ने बताया कि 60 में से 40 मुतअद्दद सवाल निसाब से बाहर थे। तलबा ने नाराबाजी करते हुए आज का पर्चा दोबारा लेने की मांग की। इस सिलसिले में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल गुलाम हसन भट्ट का कहना है कि आज के पर्चे में तलबा को करीबन 70% सवाल निसाब से बाहर था और हम इस मामले में कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ बात करेंगे और तलबा के साथ इंसाफ किया जाएगा। जी, मेरा नाम तनवीर अब्दुल्ला मीर है, मैं सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, GDC डोरू से हूँ मैं। सर, आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर था, जिसमें जो हमारा पेपर था वो सारा आउट ऑफ सिलेबस था। मोरवर उन्होंने एक टॉपिक किया है चूज, वो है FTP, जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, सारे क्वेश्चन उसी में है। सर, जब हमने क्रॉस चेक किया फोन पे तो वो उन्होंने एक वेबसाइट से लिए है, सीधे उसी से उतारे है क्वेश्चन, सेम एक ही टॉपिक सारे क्वेश्चन थे। सर, इसलिए हमारी मांगे है कि हमारा री एग्जाम हो जाए। मेरा नाम आबिना गुलजार है और मैं सी स्टूडेंट फ्रॉम सिक्स GDC डूडू सिक्स सेंट्री हूँ मैं, और हमारा सी एग्जाम था और इन्होंने एक एप्लीकेशन ली है सैंड फाउंड्री, उसी की लिंक से सारे क्वेश्चंस हमें छोड़े हैं सीए में, और फिफ्थ टॉपिक जो है HTTP जो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे इसमें, उसी में सारे क्वेश्चंस टच आउट किए हैं, और ये हमारे सिलेबस में FTP है ही नहीं। अब क्या चाहते हो? हम अब री एग्जाम चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। स्टूडेंट जो है वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे कि री एग्जाम का मुतालबा कर रहे कि उनके सिलेबस में वो टॉपिक है ही नहीं और उसी टॉपिक में से सारे क्वेश्चंस आज के पेपर में आए थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए। जी, लड़कों ने ये बात बताई कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है हमारे यहाँ तक, तो उन्होंने भी पेपर को चेक किया, तो उनके मुताबिक स्टूडेंट्स के मुताबिक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के मुताबिक प्रोफेसर साहब के मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, इसलिए लड़कों के साथ लड़कों को इंसाफ मिलना चाहिए, या उनका री एग्जाम होना चाहिए या उनको ग्रेस मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी के साथ ये मामला टेकअप करेंगे।